नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका और हमारा अपना चैनल कुछ नया करने में। आज का टॉपिक है TBS रिटर्न भरना, वो भी CSC से। आप TBS दो प्रकार से भर सकते हैं, एक तो CSC बाहर से जिसमें आपको कोई फीस चार्ज नहीं करना पड़ेगा इसमें, लेकिन आपको शायद इसलिए थोड़ा परेशानी टाइप का लगे, लेकिन आपको ये थोड़ा सा झंझट टाइप का लग जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो CSC से आप भरते हैं तो हालांकि फीस लगता है, जिससे CSC आपका पूरा कंप्लीट काम करके देता है, केवल उसी फीस के वजह से आप केवल एक मामूली सा फीस लेता है, लेकिन आपका एकदम छोटा सा प्रोसेस होता है और आपका TDS फॉर्म भर जाता है और आपका TDS जो कटा होता है वापस रिटर्न हो जाता है। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ जानना है कि TDS होता क्या है। तो दोस्तों, TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिटेक्टेड सोर्स। जी दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऐसा नियम जिसमें टैक्स उसी समय काट लिया जाता है जिस समय किसी व्यक्ति का इनकम होता है। क्या टैक्स रिफंड होता है? तो हाँ बिल्कुल, टैक्स बिल्कुल ही रिफंड हो जाता है, लेकिन यदि उस व्यक्ति का सालाना इनकम में टैक्स लाइबिलिटी नहीं हो तो इनकम टैक्स बिल्कुल वापस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो TDS फॉर्म भरने से पहले आपको दो चीज़ जानना जरूरी है। सबसे पहले आ जाना है आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में, और आपको जाना है यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में। ऑर्डर हिस्ट्री में जाने के बाद आपको पूरा ब्यौरा मिल जाएगा कि आपका कितना TDS कटा, जो आपने इनकम किया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लेन देन जो किया हूँ, आप यहाँ पर नीचे आएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बिजली बिल जो डाला हूँ, ये 300-600 जो भी यहाँ पर डाला हुआ है, तो 650 का देख सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे इसको, उसके डिटेल में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल हो जाएगा। यहाँ पर TDS देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं TDS मेरा कितना कटा है, 0.11 का TDS कटा हुआ है। मेरी इनकम में जो कमीशन मुझे 3 रुपये मिला है, जो आप इनकम में ही आपका TDS काटा जाता है, इतना आप ख्याल रखेंगे। दूसरा तरीका होता है, आप इस साइड पे चले आइए, register.csc.gov.in, इस साइड पे चले जाइएगा। यहाँ आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक टूल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टूल्स आप देख सकते हैं, नीचे TDS रिपोर्ट लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना पैन नंबर डालना है। नीचे आपको यहाँ पर यदि आप CSC बेलनी है तो CSC करना है, यदि आप अपने किसी और व्यक्ति का कर रहे हैं, किसी अपने हितग्राही का कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नीचे वाईफाई चौपाल है और नीचे यहाँ वाईफाई चौपाल में कर सकते हैं। तो मैं CSC बेलनी हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप कोटा 1, 2, 3, 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपना TDS देखना है, आप यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, 19, 20, 21, और यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके डाउनलोड में क्लिक करेंगे। तो चलिए फिर डाउनलोड में क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो जैसे डाउनलोड में क्लिक करेंगे, एक नया डैशबोर्ड ऑटोमेटिक से नया विंडो ले लेगा ऑटोमेटिक तरीके से ये, और यहाँ पर मेरा 3 पेज का दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 पेज का TDS पूरा आपका पूरा फाइल आपको दिखा देगा, कितना आपका TDS कटा है 19-20 में। पूरा यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी, कुंडली मिल जाएगी आपको पूरा ब्यौरा, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के घंटे को दबाकर ऑल में प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो गाइस, आपको किसी भी टॉपिक में सही जानकारी नहीं मिलने का 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो आपको सही वीडियो नहीं मिल पाता YouTube पे, या आप वीडियो को अधूरा छोड़ देते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें तभी आपको समझ में आएगा। तो आपने आप डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे TAX यानी कि टैक्स, उसके बाद आप वहाँ इंटर क्लिक करेंगे। तो जैसे इंटर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस साइड में चले आएंगे, यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी सेलेक्ट हो गया। यहाँ से आप टोटल गाइडलाइन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फिर से अपने CSC आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉग इन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट डैशबोर्ड में आ चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना होगा, फिर आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप करना होगा,
उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जन्मतिथि डाल देना है, फिर यहाँ पिताजी का नाम डालना है, फिर यहाँ पर आप अपना पहला नाम डालेंगे, यहाँ पर आप अपना अंतिम नाम डालेंगे, यानी कि प्रथम नाम और मिडिल नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर आप अपना लास्ट नाम यानी सरनेम डाल देंगे। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, है तो नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पर अपना एक पासवर्ड डाल देंगे और पासवर्ड को याद रखेंगे। यहाँ पर आपको पूछ रहा है क्या आप एक आपका टाइप, यहाँ पर आपको जो भी है वीएलई है अर्बन रूरल आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो मैं वीएलई हूँ तो वीएलई में क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस आपको फिलअप करना है। यहाँ आपका पिन कोड होगा, यहाँ आपका एड्रेस होगा, यहाँ पर एड्रेस 2 होगा यानी कि पोस्ट ऑफिस। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पूरे बैंक खाते की जानकारी पूरा भरना है। सबसे पहले आपको आईएफएससी कोड डालना होगा आपके बैंक खाते की, फिर बैंक का यहाँ पर नंबर डालना है, फिर बैंक मुख्य बैंक खाता यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए डालते हैं। आपके पास एक से अधिक खाते हैं तो यहाँ पर अधिक बैंक खाते में क्लिक करके आप दूसरा बैंक खाता भी जोड़ सकते हैं। नीचे ग्राहक का मुख्य आय का स्रोत, आप आय का स्रोत क्या है यहाँ पर डालना है। क्या आपके पास वेतन आय है, हाँ या नहीं। मेरे पास नहीं है तो नहीं करेंगे, आपके पास हाँ है तो हाँ करेंगे। अन्य आय है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चले नीचे आते हैं, लेस देन 20 लाख से, पहला है लेस देन 20 लाख टर्नओवर। क्या आप 20 लाख से नीचे का कारोबार करते हैं, यदि हाँ तो यहाँ करेंगे। यदि 20 लाख से ऊपर का है तो इस पर टिक लगाएंगे, यदि आपको पता ही नहीं है तो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नो में क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हाँ नहीं, आपकी आय सालाना 2,50,000 से ज़्यादा है, यदि हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं है तो फिर यहाँ पर नो में क्लिक करेंगे, या फिर पता नहीं है तो यहाँ पर पता नहीं में टिक लगाएंगे। फिर नीचे आते हैं, आपको दस्तावेज यहाँ पर डालने होंगे। पैन कार्ड आपको अनिवार्य यहाँ पर डालना है और बैंक खाता अनिवार्य नहीं है। तो चलिए पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। पैन कार्ड यहाँ पर PFD, PNG, GIF, JPEG में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमको यह हमारे PC में अंदर ले जाएगा, जहाँ से हम अपने पैन कार्ड जो स्कैन करके रखें यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपने बैंक खाते का स्कैनिंग फोटो कॉपी यहाँ पर रख सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। चलिए नीचे आते हैं, अन्य दस्तावेज भी अनिवार्य नहीं है। एड मोर फाइल, यदि आप और दस्तावेज करना चाहते हैं तो आप एड मोर में क्लिक करके एड कर लेंगे। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप किस वर्ष का लेना चाहते हैं। यहाँ पर 18-19, 19-20 या फिर 19-20 या 20-21, यहाँ से आपको टिक लगाना है। तो चलिए मैं फर्स्ट वाले में टिक लगा लेता हूँ, 18-19, 19-20 को मुझे लेना है। हम 20-21 का अगली बार फिर से ले सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट वाले को टिक लगाएं। उसके बाद यहाँ पर चकमक लगाएंगे एक्सेप्ट में, फिर यहाँ पर देख सकते हैं फीस। यहाँ पर मैं आपको जमा करने से पहले फीस बता दूँ कितना है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जैसे दिखा रहा है 354 रुपये फीस कटना है, तो ये 354 रुपये नहीं कटता, केवल 270 रुपये आपके वॉलेट से कटना है और बाकी आपको कमीशन के रूप में दे दिया है। तो मतलब कमीशन भी बहुत ज़्यादा, यदि आप अपने हितग्राही का करते हैं तो बेस्ट है आप। उसके बाद आपको यहाँ पर जमा करें में क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ओके, कुछ प्रतीक्षा करेंगे। तो चलो यहाँ पर अपना CSC पासवर्ड और वॉलेट पिन डाल के इसको वैलिडेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो पूरा ब्यूरा यहाँ पर हमको दिखाई दे चुका है, सक्सेसफुल है। यहाँ पर फाइल अटैच, फाइल में आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से प्रिंट रिसीप्ट पे क्लिक करके एक अपना प्रिंट रख लेंगे यहाँ से। चलो इसको मैं आप डाउनलोड करके रख लेता हूँ यहाँ से। यदि आप और यहाँ पर फाइल अटैच दूसरा किसी का TDS फाइल रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल में और ये आपके सामने एक नया साइट ओपन कर देगा। तो यहाँ से आप फिर से एक नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ हमारे चैनल पर पूरे आखिर तक बने रहने के लिए मैं दिल से फिर से एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ।